हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी मेकर्स MCX ट्रेडिंग चैनल। आज हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में। 1 जून से लेके 5 जून के बारे में क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस हम करेंगे। उससे पहले आप सभी स्टॉक मनी मेकर्स को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी नए मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया MCX का, वो MCX टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 7600 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंट है हमारे MCX चैनल पे। वहाँ पे हम डेली कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आज हमने क्रूड ऑयल का बाय कॉल दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पर क्रूड ऑयल का बाय कॉल दिया था और टारगेट भी अच्छा खासा दिया था। सिल्वर का बाय कॉल दिया था, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने ये भी कहा था साफ साफ कि क्रूड ऑयल जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 2540 2609 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्रूड ऑयल ने इजीली एक हाई क्रिएट किया था 2562 2563 तक। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्टॉक मनी मेकर्स के MCX ट्रेडिंग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। आपको लाइव इंट्राडे कॉल्स मिलते रहेंगे। बस आपको हमारे रेफरेंस में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वरना फ्री टेलीग्राम चैनल आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको हमारे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है क्रूड ऑयल के। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है वो बार बार 1 2 3 4 5 टाइम्स उसने ये लेवल पर सपोर्ट लिया है, और 4 से 5 बार उसने ये लेवल का रेजिस्टेंस लिया है। यानी कि 2632 उसका हैवी रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का, और 2373 उसका हैवी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 2373 अगर ब्रेकडाउन करता है तो सीधी सी बात है ज़्यादा डाउनफॉल देखने मिलेगा, और 2632 अगर वो क्रॉस करता है तो ब्रेकआउट बाई के साइड अच्छा रहेगा। तब आप बाई पोजीशन अगर क्रिएट करते हो तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपने बीच में ट्रेडिंग की होगी तो आप देख सकते हो कि आने वाले वीक में ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होने वाला है अगर आप बीच में कोई पोजीशन क्रिएट करते हो तो। अभी हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया है, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीकली एनालिसिस हमेशा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ही अच्छी रहती है। वीकली एनालिसिस में आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूँगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद मैं आपको कुछ लेवल्स प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले। आप देख सकते हो कि मेरे सामने जो लेवल्स हैं, मैं थोड़ा इनको और मिनिमाइज़ करता हूँ। मैंने रेंज थोड़ा और इंक्रीज़ करने का सोचा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का अपर लिमिट है वो आपको मैं क्लियर तरीके से बता सकता हूँ। आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल का ऊपर का रेंज क्या है। क्रूड ऑयल अगर 2606 को क्रॉस करता है तो 2832 ईजिली आ सकता है। 200 पॉइंट का मोमेंट हम ऊपर के साइड क्रूड ऑयल में ईजिली देख सकते हैं। 3121 का रेंज भी उसने लास्ट टाइम क्रूड ऑयल ने जब लो क्रिएट किया था तो वो 31 आप देख सकते हो, ये जो कैंडल का जो लो क्रिएट किया था उसने 3130 से गिर के वो 2151 पे आ गया। मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स क्रूड ऑयल गिर चुका था एक ही कैंडल में। तो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 1000 पॉइंट्स एक ही कैंडल में क्रूड ऑयल अचीव कर लेगा, बट येस 200-300 पॉइंट की रैली हमें क्रूड ऑयल में ऊपर के साइड देखने मिल सकती है अगर वो 2606 क्रॉस करके सस्टेन करता है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो मेरे लिए, आपके लिए मैं आपको लेवल्स देना चाहता हूँ, बाय और सेल लेवल्स क्रूड ऑयल के आने वाले वीक के लिए। 1 जून से लेके 5 जून की वैलिडिटी के लेवल्स रहेंगे ये। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप कभी भी क्रूड ऑयल पर अच्छा खासा वॉच कर सकते हो और उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी लाइव कॉल्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से अपडेटेड रहना होगा। अब आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल का बाय लेवल क्या है। तो आप क्रूड ऑयल को बाय कीजिए 2606 पे, ये वीकली लेवल्स है तो इसके स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से रहेंगे। अब 2606 पे क्रूड ऑयल को बाय कीजिए, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा समथिंग अराउंड, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2544 का। अब क्रूड ऑयल को बाय कीजिए 2606 पे, वीकली बेसिस के लेवल है। आपको ये लेवल मंडे भी मिल सकते हैं, ट्यूसडे भी मिल सकते हैं। तो 2606 पे आप क्रूड ऑयल को बाय कीजिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2544 का। टारगेट आपका रहेगा 2832 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट आपका 3121 तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया, लेकिन आप इसका 50% कंसिडर कर सकते हो। 2969 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो क्रूड ऑयल को आप 2606 के पहले बाय मत कीजिएगा, 2606 पे बाय कीजिए। और क्रूड ऑयल को सेल लेवल क्या रहेगा, क्रूड ऑयल को आप सेल कीजिए आप देख सकते हो ये लेवल है क्रूड ऑयल का सेल लेवल। यहाँ पे मैं एक सिंबल आपको दिखा रहा हूँ, ये लेवल आपका क्रूड ऑयल का सेल लेवल हो जाता है। 2446 पे आप क्रूड ऑयल को सेल कीजिए। 0.50 के फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अगर ये लेवल टूट जाता है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि क्रूड ऑयल ने अभी का जो क्लोजिंग है, अभी जो लेवल पे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है वो 2,555 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 2606 से 50 पॉइंट्स डाउन है और 2446 से 100 पॉइंट्स डाउन है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल 2446 ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि 0.50% का रिट्रेसमेंट अगर क्रूड ऑयल ने एक बार तोड़ दिया, तो जो लेवल हम डाउन साइड देख सकते हैं वो 2287 का रहेगा और सेकेंड लेवल हमारा 2090 का रहेगा। तो आप सभी 2446 पे क्रूड ऑयल को बिंदास सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आप छोटा सा रखिए। मेरे हिसाब से अगर आप 2446 पे क्रूड ऑयल को इंट्राडे बेसिस पे मंडे को, ट्यूसडे को या आने वाले वीक में कभी भी सेल करते हो, तो स्टॉप लॉस आप 50 पॉइंट्स का रखिए, अराउंड 50 टू 60 पॉइंट्स मैक्सिमम आप रखिए। आप 2517 का स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट आपका आप देख सकते हो 2287 का आपका पहला टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 2090 का रहेगा। यह अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ही लंबे टाइम से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो कि 18 मई से लेके 29 मई तक, यानी कि 11 डेज़ के लिए क्रूड ऑयल एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। तो ये लेवल्स आप ध्यान पे रखिए, 2446 से सेल है और 2606 से क्रूड ऑयल बाई है। स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप हमारे स्टॉक मनी मेकर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली वीडियोस से अपडेटेड रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पे डेली हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं MCX के। हमारी जैसी सर्विस आपको MCX में कहीं नहीं मिलेगी। हमारे रेफरेंस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो एलाइस ब्लू में, तो आपको लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट मिलेगा इक्विटी और MCX में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।